नमस्ते। कक्षा 6, रोबोट चोर है, प्रश्न संख्या 98, अंतिम अवतरण। कैलाश की बातें सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। इंस्पेक्टर ने स्वप्निल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, फिर रोबोट से चोरी करने वाले के आरोप में कैलाश के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। लेकिन स्वप्निल मन ही मन यही सोच रहा था कि 20वीं सदी में तो आदमी ही चोरी करता था, इस 21वीं सदी में तो उसने रोबोट को भी चोरी करना सिखा दिया। प्रश्न संख्या 98, अंतिम पैराग्राफ पर प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, कैलाश की बातों को सुनकर किसको आश्चर्य हुआ? प्रश्न नंबर 2 है, स्वप्निल की बुद्धिमत्ता की किसने प्रशंसा की? प्रश्न नंबर 3 है, किसको हथकड़ियां पहना दी गई? प्रश्न नंबर 4 है, 21वीं सदी में कौन चोरी करेगा? प्रश्न नंबर 5 है, 20वीं सदी में कौन चोरी करता था? विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखेंगे, याद भी करेंगे। प्रश्न संख्या 101 में की या की लगाकर प्रश्न बनाने हैं। रोबोट का शीर्षक में रोबोट, स्वप्निल ने देखा उसकी आंखों, उसने निश्चय किया। बा शीर्षक में, खा शीर्षक में की और की, रोबोट कैलाश के घर में घुस गया, नींद उड़न छू हो गई, एक दिन मैं स्वयं चौकीदारी करूंगा, इस कारस्थानी से वह भिन्ना उठा। दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और तथा, लेकिन, क्योंकि अथवा इसलिए वरना इत्यादि वाक्यों को पूरा करना है। धीरे धीरे शाम, खाली स्थान, फिर रात घेर आई। खा उसकी चीजों को चुराने वाला और कोई नहीं, खाली स्थान उसका अपना रोबोट ही था। गा स्वप्निल को निराशा होने लगी थी, खाली स्थान उसने हिम्मत नहीं हारी। घा मनुष्य आलसी होता जा रहा है, खाली स्थान वह यंत्रों पर निर्भर रहने लगा है। अंगा कैलाश ने गलत काम किया था, खाली स्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। भरने वाले दिए गए सारणी में इस प्रकार है, क्योंकि, बल्कि, लेकिन और इसलिए। दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाना है। उड़न छू होना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भंडाफोड़ हो जाना, हिम्मत न हारना। पाठ से आगे भी कुछ इस प्रकार है, बियॉन्ड द चैप्टर, रोबोट का दुरुपयोग करने से रोबोट का निर्माण मानवों के लिए अभिशाप साबित हो सकता है, इस सत्य को समझाते हुए एक लेख लिखना है। वास्तव में जो रोबोट है इसे यांत्रिक मानव कहा जाता है, परंतु इसमें, यदि उस मानवीय उपयोगिता में, विज्ञान की खोज में, जिधर से उधर उसे अगर चलाना चाहे तो उसके मस्तिष्क के तरंगों को यदि विस्थापित कर दिया जाए तो वह अच्छे की जगह बुरा आदमी भी बन सकता है। मनुष्य ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रयोग कर अपनी सुख सुविधाओं के लिए तरह तरह के आविष्कार किए, और अभी भी नित्य वो नए आविष्कार कर रहा है। यदि हम गौर करें तो आज हमारा जीवन यंत्रों के इर्द गिर्द घूम ही घूमता है। वैसे कहने को तो ये यंत्र, रोबोट और कंप्यूटर हमारे दास हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हम
स्वयं इसके दास बन गए हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? इस विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा आयोजित करें, सभी छात्र अपने विचार रखेंगे। छात्रों के विचार के अनुसार आज विज्ञान आधुनिक युग में है, जिसका हम लोग समुचित सेवन करते हैं। सेवन ही नहीं बल्कि एक ऐसा अभ्यास होता जा रहा है कि जिसके बगैर जीवन की कल्पना कबंध मात्र है, अधूरी है। ऐसे विद्यार्थियों के विचार अपने आप हो सकते हैं।